हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज फैशन विद चेतना और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ब्रास हॉल। सो इससे पहले मैंने कभी भी ब्रा का कोई हॉल वीडियो नहीं किया है, बट दिस टाइम आई थॉट कि मुझे एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए। यू नो, इसलिए मैंने सोचा क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मतलब नॉलेज होता है कि उनको टी शर्ट के साथ में या कुर्ते के साथ में डे टू डे लाइफ में कैसी किस टाइप की ब्रास वियर करनी चाहिए। सो कुछ लोगों को नॉलेज होता है बट कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होता है। सो आई थॉट कि मुझे ऐसा वीडियो बनाना चाहिए। वैसे तो आप यूट्यूब पे ओपन करके देखोगे तो बहुत सारे लॉन्जरी हॉल होंगे जिसमें आपको दिखेगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियोस बना रखे हैं, बट यू नो उनमें से ज़्यादातर वीडियोस जो होते हैं वो स्पॉन्सरशिप के होते हैं। स्पॉन्सरशिप जो है वो कोई बुरी बात नहीं है, अगर आपको कोई कंपनी ऑफ़र देती है तो आप वीडियो बनाइए उनके लिए। अगर मुझे भी कोई कंपनी ऑफ़र देगी तो मैं ऑब्वियसली बनाऊंगी, सो कोई बुरी बात नहीं है। बट मैंने सोचा कि जिन प्रोडक्ट पर मैंने अपना खुद का अमाउंट लगाया है तो उनके लिए तो मैं ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, इसलिए मैंने सोचा है। और ये जो वीडियो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो भी है, किसी ने मुझे बोला था कि आप एक लॉन्ड्री हॉल बना दीजिए। सो मैंने सोचा कि मैं जो है एक बना देती हूँ आप लोगों के लिए ब्रास का हॉल। सो ये जो वीडियो होने जा रहा है वो इसलिए भी मैंने बनाया कि अभी जिवामे पे से 60% सेल चल रही है, समर सेल, और उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कूपन कोड भी मिल रहे हैं जिसकी वजह से जो एक्चुअल प्राइस है वो काफ़ी डाउन हो जाता है ब्रा का। सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए हो तो जैसा कि पता है चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। लेट गेट स्टार्टेड। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ टी शर्ट ब्रा का कलेक्शन। सो मैं उससे पहले सारी ब्रास जो है एनामोर या जॉकी के शोरूम पे जाके लेती थी, क्योंकि हमेशा कन्फ्यूज़न रहता था कि यार क्या साइज़ मिलेगा, कैसा होगा, लाइट पैडेड होगा या हैवी पैडेड होगा। सो मैंने जब जिवामे ट्राई किया तो ट्रस्ट मी गाइज, मैं जिवामे की बहुत बड़ी फ़ैन हो गई। मतलब मुझे जब पता चल गया कि हाँ आप जो साइज़ पिक करोगे वो आपको एकदम परफेक्ट आएगा, और जब मुझे लगा कि नहीं एकदम परफेक्ट आ रहा, और ये जो वीडियो है वो मेरा स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ऑनेस्ट रिव्यू है, तो जब मुझे पता चला कि नहीं वो एक्चुअल आप जो साइज़ पिक करते हो एक प्रोडक्ट आपको डिलीवर होता है। सो तब से मैंने कम से तब से 2.5 ईयर हो गया है मुझे, मैं ऑनलाइन जिवामे से ही अपने ब्रास कलेक्शन पिक करती हूँ, क्योंकि उनके पास बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्टाइलिश कलेक्शंस होते हैं। सो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ टी शर्ट ब्रा का कलेक्शन। उसमें ये मरून कलर की है जो मैंने लास्ट ईयर पिक करी थी। सो इसकी स्ट्रैप जो है वो शाइनी मिलती है आपको, और ये लाइटली पैडेड ब्रा है जिसको आप टी शर्ट के साथ में अच्छे से स्टाइलिश स्टाइल कर सकते हो, और ये 3/4 कवरेज आपको देती है। सो इसको वियर करने के बाद आपका कर्व, आपके बस्ट एरिया का जो शेप है वो बहुत ही कर्व दिखता है, और ये टी शर्ट के साथ में बहुत ही अच्छी लगती है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं फील होता है कि कुछ भी सी थ्रू हो रहा है या कुछ भी, और बहुत ही अच्छा शेप आता है। सो इसका प्राइस जो है वो 750 समथिंग कुछ होगा, बट मैंने इसको डिस्काउंट के अंदर 470-480 रुपीज़ में लास्ट ईयर परचेज किया था। बट आप अगर अभी भी जिवामे खोल कर देखोगे तो अभी जो समर सेल चल रही है उसमें भी आपको ये इसी प्राइस में मिलेगी। और इस पर जो ये बेल्ट का आता है वो पीछे 3 हुक आपको मिलते हैं इसके अंदर, सो आप एडजस्टेबल कर सकते हो अपने बस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो बस्ट ओवर बस्ट साइज़ होता है वो अलग होता है, और आपकी जो बेल्ट का साइज़ होता है वो अलग होता है। तो जिवामे पे जो साइज़ चार्ट दिया होता है उसी साइज़ चार्ट को देख के आप अपनी ब्रा को पिक करोगे तो एकदम परफेक्ट साइज़ आएगा। सो इसकी क्वालिटी, इसका फैब्रिक एकदम परफेक्ट है और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में एक टी शर्ट ब्रा आपको मिलती है। टोटली सेटिस्फाइड हूँ इसके साथ में, और मुझे 1 ईयर हो गया है इसको वियर करते हुए। मतलब रेगुलरली नहीं, जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो किसी टी शर्ट के साथ में ये ब्रा वियर करती हूँ, तो मुझे बहुत ही कम्फर्टेबल लगती है। साथ में मैं एक और आप लोगों के साथ टी शर्ट ब्रा शेयर करने जा रही हूँ, जिसका है पूरी कॉटन ब्रा में आती है, और ये लाइटली पैडेड होती है, और इसमें भी आपको 3 हुक मिलते हैं, आप एडजस्ट कर सकते हो, और ये पूरी कॉटन में आती है तो समर के लिए एकदम परफेक्ट है, क्वालिटी एकदम परफेक्ट है। और इसका प्राइस भी मैंने 700 रुपीज़, ये भी आपको 800 रुपीज़ में मिलेगी, बट डिस्काउंट के साथ में आपको 500 या 480 रुपीज़ में ईजिली मिल जाएगी। सो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये भी एक टी शर्ट ब्रा है और आपको 3/4 कवरेज देती है। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो भी टी शर्ट ब्रा है, ये लाइटली पैडेड है और ये न्यूड कलर की है। यू नो, आप जब भी कोई ब्रा का कलेक्शन पिक करते हो उसमें एक न्यूड ब्रा आपके लिए होनी चाहिए, क्योंकि वो जो होती है आप उसको हर
कोई से भी कलर के साथ में वेयर कर सकते हो। सो ये न्यूड ब्रा में से है, जो मैंने आपको मरून कलर की दिखाई थी उसी क्वालिटी में है। इसमें शाइन आता है, बैट आता है और अगेन इसका परफेक्ट शेप आता है वेयर करने के बाद में, और ये 3/4 कवरेज देती है। सो आपका जो भी साइज़ हो आप वही पिक करिएगा साइज चार्ट में देखकर, तो आपको एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। नेक्स्ट जो ब्रा मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है ये पीच कलर की। सो इस ब्रा का ये है कि आप इसको मतलब जैसे आप टैंक टॉप वेयर करते हो तो आपकी स्ट्रैप विजिबल होती है, तो इसको आप क्रॉस एडजस्ट करके इस टाइप से आप इसको क्रॉस एडजस्ट करके आप वेयर करोगे तो आपकी ये जो ब्रा की स्ट्रैप्स है वो विजिबल नहीं होगी। और अगर आप क्रॉस अटैच करके नहीं वेयर करना चाहते हो तो नॉर्मल जो ब्रा की स्ट्रैप होती है जैसे आप डे टू डे लाइफ में वेयर करते हो वैसे भी आप इसको वेयर कर सकते हो। सो पहले वाली जो मैंने आपको टी शर्ट ब्रा दिखाई थी उनमें क्रॉस सेक्शन नहीं अवेलेबल होता है, नॉर्मल आप जैसे ब्रा को वेयर करते हो वैसे ही आता है। सो इसमें क्रॉस सेक्शन है इसलिए मैंने लिया था कि कभी मैं टैंक टॉप वेयर करूँ तो अगर कोई भी ब्रा मुझे सी थ्रू नहीं करवानी, नहीं शो करवाना है तो वो मैं इस टाइप से वेयर कर सकती हूँ। और इसका प्राइस भी 540 रुपीज मैंने पे किया था, ये भी मैंने लास्ट ईयर पिक करी थी और शायद मैंने इसको अभी एक या दो बार ही वेयर किया है। सो इसकी क्वालिटी, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है और शेप भी एकदम परफेक्ट आता है वेयर करने के बाद में, और ये भी 3/4 कवरेज देती है, बट इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है स्ट्रैपलेस ब्रा। यू नो आप जब भी ऑफ शोल्डर टॉप वेयर करते हो तो हमेशा आपको ये सोचना पड़ता है कि आप क्या वेयर करोगे। इस ब्रा को जो मैंने 4 to 5 मंथ पहले पिक किया था, ये टोटली आपको स्ट्रैपलेस ब्रा मिलती है। सो इसमें आपको स्ट्रैप मिलती है बट वो दोनों स्ट्रैप को जो है आप निकाल सकते हो और आप इसको स्ट्रैपलेस वेयर कर सकते हो। सो ये ऑफ शोल्डर टॉप के साथ में एकदम परफेक्ट जाती है, आपको मतलब ऐसा बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा कि यार स्ट्रैप नहीं है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ही लूज हो रहा है सब कुछ या फिर बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसके अंदर जो है हाईली वायर्ड ब्रा आती है ये, सो आपके बस्ट एरिया को बहुत ही अच्छे से होल्ड करके रखती है, सो इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी। और अगेन इसका प्राइस जो है मैंने 522 रुपीस पे किया, वेयर करने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी होल्ड नहीं हो रहा है, बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है। सो अगर आप कोई ऑफ शोल्डर टॉप के साथ में कोई स्ट्रैपलेस ब्रा वेयर करने का सोच रहे हो और आपको नहीं पता कि कौन सा क्वालिटी या कौन सी ब्रा पिक करनी चाहिए, तो मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ। बहुत ही अच्छी क्वालिटी इसकी और वेयर करने के बाद बहुत ही अच्छा शेप आता है। इन सारी ब्रास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू हो तो आपको पता ही है कि जो भी मैं फील कर रही हूँ मैं आपको बोल रही हूँ। सो ये बहुत ही अच्छे से आपके बस्ट एरिया को होल्ड करती है। अगेन इसका फैब्रिक जो है वो कॉटन है और ये हाईली वायर्ड है, तो बहुत अच्छे से बस्ट एरिया को होल्ड करके रखती है। इससे पहले मैंने आपको जितनी भी ब्रास दिखाई है उनमें कोई भी वायर्ड नहीं है, वो सब वायर्डलेस ब्रा है। सो बहुत कंफर्टेबल है, ये थोड़ी सी आपको अनकंफर्टेबल होगी बट यू नो आपके बस्ट एरिया को होल्ड कर रही है तो इसलिए इसको हाईली वायर्ड बनाना पड़ा, बट बिल्कुल भी आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा कि आपको कहीं से चुभन हो रहा है या मतलब कुछ भी इरिटेशन हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा, आप टोटली कंफर्टेबल रहोगे इसके साथ में। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है ये बैकलेस ब्रा। यू नो अगर आप ब्लाउज वगैरह वियर करते हो या कोई भी ऐसी ड्रेस वियर करते हो जिसमें आपकी ब्रा सी थ्रू होती है या ब्रा की स्ट्रैप जो है वो विजिबल होती है, तो आप जो है इस टाइप की न्यूड बैकलेस ब्रा वियर कर सकते हो। सो इसके अंदर आपको ये यहाँ से जो ऊपर के जो स्ट्रैप्स होते हैं वो आपको मिलते हैं और पीछे जो आपको दो स्ट्रैप मिलते हैं, मतलब एक तो आपको नॉर्मल जो न्यूड कलर का आता है वो और एक ट्रांसपेरेंट मिलता है। आप चाहें तो इस ट्रांसपेरेंट को रिमूव कर सकते हो, आप चाहें तो इस वाले स्ट्रैप को रिमूव कर सकते हो। सो कोई भी बैकलेस ड्रेस होती है या ब्लाउज होता है तो आप उसको आप जो है उसके अंदर इस टाइप की ब्रा वियर कर सकते हो, जो भी आपका साइज आता है वो आप पिक कर सकते हो। और ये जो है नॉन पैडेड ब्रा है बट इसमें आपको डबल लेयर मिलता है, इसकी क्वालिटी कॉटन फैब्रिक है, बस होजरी जो होता है ना वो इसका मटेरियल है जो बहुत ही कंफर्टेबल है और ये वायर्ड भी नहीं है और डे टू डे लाइफ में भी आप इसको वियर कर सकते हो। अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हो और आपके ब्लाउज जो है बहुत ही डीप नेक के होते हैं तो इस टाइप की ब्रा आप वियर कर सकते हो। और इसका प्राइस जो है वो 399 रुपीज़ है, बट अगेन आप इसको डिस्काउंट के अंदर बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट में 350 रुपीज़ 340 रुपीज़ में इसको खरीद सकते हो, आप इसको परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैंने रिसेंटली परचेस करी है, ये सैक लिफ्टेड ब्रा जो कि आपके बस्ट एरिया को बहुत ही अच्छे से शेप देती है और यू नो आप
बस्टी हो थोड़े, या आपका बस्ट एरिया जो है बहुत ही बल्जी है, या बहुत ही हैवी बस्ट एरिया आपका, तो उसको अच्छे से शेप देने के लिए या उसको बहुत ही मिनिमाइज़ करने के लिए ये सैक लिफ्टेड ब्रा आती है, जिसका प्राइस जो है 995 रुपीज़ है, बट मैंने इसको सेल के अंदर 522 रुपीज़ में लिया है। सो यहाँ पे इसका जो है नेट फैब्रिक आता है ऊपर की और नीचे कपड़ा आता है, और ये वियर करने के बाद बहुत बहुत कम्फर्टेबल है, कहीं से भी आपको इरिटेशन वगैरह नहीं होगी। इसकी स्ट्रैप्स भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, सो बहुत कम्फर्टेबल फील होती है। सारे कलर ऑप्शन आपको मिलते हैं, मैंने इसमें एक पर्पल और एक ब्लू कलर पिक किया है, सो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी ये ब्रा, और बहुत ही कम्फर्टेबल है, और बैक साइड में आपको नेट मिलता है, सो टोटली कम्फर्टेबल है, क्वालिटी वगैरह बहुत ही अच्छी है। और इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि हमेशा जब भी जिवामे पे सेल चले तभी आप इसको पिक करना, अदरवाइज इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, इसलिए आप इसको सेल में ही परचेस करना। जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो ये है मिनिमाइज़र ब्रा। यू नो, आपका अगर बहुत बस्टी एरिया, अगर आप बहुत बस्टी हो या आपका बस्ट एरिया जो है बहुत ज़्यादा हैवी है, तो उनको कम दिखाने के लिए या उनको कम करने के लिए इस टाइप की मिनिमाइज़र ब्रा आती है। ये सिंगल लेयर ब्रा आती है, बट आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसका जो आगे का फैब्रिक है वो स्पैंडिक्स है, और बैक साइड में थोड़ा सा कॉटन फैब्रिक है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, या बहुत ही कम्फर्टेबल है, बहुत ही लाइट वेट है। और इसमें भी आपको 3 हुक मिलते हैं जिसे आप एडजस्ट कर सकते हो, और यहाँ से भी आप स्ट्रैप्स को एडजस्ट कर सकते हो, वायर्ड नहीं है, सिंगल लेयर है, बट बहुत ही कंफर्टेबल है, और कुछ भी फ्रंट एरिया से विजिबल नहीं होगा। और इसके फ्रंट में जो है इस टाइप से ये डिज़ाइन आती है, सो मैं जो हूँ टोटली सेटिस्फाइड हूँ इसके साथ में भी, और ये आपको 440 रुपीज़ में इजीली आपको डिस्काउंट के साथ में मिल जाएगी। जो मैंने जिवामे से पिक किया है वो है ये कैमिसॉल, और इसको वियर करते हुए मुझे 1 साल हो गया है, मतलब जब भी ओकेजनली मैं कोई डीप नेक का टॉप वियर करती हूँ तो मैं इस टाइप का कैमिसॉल वियर करती हूँ। इसमें आपको 3 कलर ऑप्शन मिलेंगे, वाइट, ब्लैक एंड न्यूट कलर, मेरे पास इसमें ब्लैक कलर है। सो यहाँ पे ये जो है डिज़ाइन आती है, और ये जो स्ट्रैप है वो एडजस्टेबल आती हैं, और इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन प्लस हॉजरी, और बहुत ही कम्फर्टेबल फैब्रिक है। इसमें भी आपको बहुत सारे साइजेस मिलेंगे, और इसका प्राइस जो है 399 रुपीज़ है, बट अगेन आप इसको बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट में 350 रुपीज़ में ख़रीद सकते हो। सो इसका क्वालिटी, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो ये डेली वेयर के हिसाब से मैं, सो ये भी कॉटन फैब्रिक की है, अगर आप डे टू डे लाइफ में कोई ब्रा देखना चाहते हो तो ये कॉटन फैब्रिक की ब्रा है, डबल लेयर है, और ये फुल बस्ट एरिया को कवर करती है, मतलब फुल कवरेज वाली ब्रा है। और इसका साइज जो है आप पिक करोगे वो आपको मिल जाएगा, इसके बैक साइड में भी आपको नेट मिलता है, सो ये फुल कवरेज वाली ब्रा है, और इसका प्राइस जो है 400 रुपीज़ है, सो आप इसको 400 रुपीज़ में इजीली परचेस कर सकते हो, और फुल कवरेज है। अगर आप कोई फुल कवरेज ब्रा देखना चाहते हो तो ये वाली ब्रा एकदम परफेक्ट है, डबल लेयर मिलती है, कॉटन फैब्रिक की है, और समर के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो भी कॉटन फैब्रिक की है, ये भी फुल कवरेज ब्रा है, और ये भी आपको डबल लेयर में मिलती है, बट जो पहले वाली मैंने आपको दिखाई थी लाइक दिस, और इसमें आपको थोड़ा सा फ्रंट एरिया पे थोड़ा सा डिज़ाइन मिलता है, जो कभी कभी टी शर्ट के अंदर प्लेन टी शर्ट वगैरह वेयर करते तो वो डिज़ाइन दिख जाता है, बट ये वाली जो ब्रा है इसमें आपको फ्रंट में कोई भी डिज़ाइन नहीं दिखेगा, बिल्कुल प्लेन दिखेगा। सो इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, ये फुल कवरेज ब्रा है, इसका भी जो प्राइस है वो 400 रुपीज़ के आसपास है। सो आपको लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिए कि कौन सी ब्रा जो है कितने कितने डिस्काउंट में है। सो ये भी डेली जो है डेली वेयर के लिए बहुत ही परफेक्ट है, डेली वेयर में आप इजीली आप इस टाइप की ब्रा को वेयर कर सकते हो। सो मुझे ये बहुत अच्छी लगी प्राइस के अकॉर्डिंग, और डेली वेयर के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है। सो ये था मेरा एक ब्रा हॉल, सो ये रिक्वेस्टेड वीडियो था, तो गाइज आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मेल कर सकते हो। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज, बाय बाय।